बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फंडामेंटल ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, आज हमारा आठवां लेक्चर है और हम इस अपने लेक्चर के अंदर तीसरे चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। तीसरे चैप्टर में आगाज़ में सूरतुल बकरा की इब्तदाई पांच आयात, उनका हम मुताला करेंगे और उसके अलावा बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर होंगी। तो मैं आगाज़ कर रहा हूँ। पहले हसबे मामूल हम अरबी मतन उसको पढ़ते हैं और उसका तर्जमा, और फिर एक दो चीज़ें साथ में और बयान करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल्मुत्तकीन अल्लज़ीन यूमिनून बिलगैब व यकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नहुम युन्फिकून वल्लज़ीन यूमिनून बिमा उन्ज़िल अलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून सदक़ल्लाहु अज़ीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सूरतुल बकरा जो पहले पारे से शुरू होती है उसकी ये इब्तदाई आयात हैं जो हमारे कोर्स का हिस्सा हैं। इस सूरत का आगाज़ अलिफ लाम मीम से हो रहा है और ये अलिफ लाम मीम हरूफ मुकत्तआत हैं जो पुराने पाक की कुछ सूरतों के आगाज़ में आए हैं। इन हरूफ के मानी और मफहूम का तायुन नहीं किया गया, उसकी मुख्तलिफ वजूह बयान की जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि खुद हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मानी और मफहूम मुतय्यन नहीं फरमाए। उससे आगे जो फरमाया गया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है, हुदन लिल्मुत्तकीन परहेजगारों के लिए हदायत है, अल्लज़ीन यूमिनून बिलगैब व यकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नहुम युन्फिकून, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं, वल्लज़ीन यूमिनून बिमा उन्ज़िल अलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून, और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया और जो आपसे पहले नाज़िल किया गया। यही लोग जो हैं अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो ये वो आयात हैं जिनके अंदर आगाज़ में मुत्तकीन के बारे में बताया गया कि मुत्तकीन जो हैं, अल्लाह से डरने वाले जो लोग हैं, अल्लाह की खशियत इख्तियार करने वाले जो लोग हैं, वो इस किताब से हदायत हासिल कर सकते हैं। पहले वो इसके ऊपर ईमान लाएं, इसके ऊपर इसके अंदर रत्ती बराबर भी शक व शुबा जो है वो ना करें, शक व शुबे से बालातार होकर इस किताब के ऊपर ईमान लाएं और फिर वो हदायत हासिल करने के लिए तकवा की रवश इख्तियार करें, मुत्तकी बन जाएं। मुत्तकी बनेंगे तो उसके नतीजा के अंदर इस किताब के जरिए उनको रहनुमाई मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी और वो कामयाबी के रास्ते पर चल सकेंगे। अब मुख्तसर मैं ये बताता हूँ कि इन आयात के अंदर जो परहेजगार हैं, जो अल्लाह की खशियत इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह के बंदे बन जाते हैं और वो मुत्तकीन बन जाते हैं, तो उनकी अलामात क्या बताई गई हैं अगली आयात के अंदर, उनकी क्या निशानियां बताई गई हैं। वो निशानियां ये हैं, सबसे पहली निशानी ये है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब क्या है कि जिन चीज़ों को हमने देखा नहीं है उन चीज़ों को माना जाए, तस्लीम किया जाए, ईमान लाया जाए उन पर, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं और अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं, और फिर इसी तरीके से जन्नत और जहन्नम है, आखरत का दिन है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने देखी नहीं है, बिन देखे जिन पर ईमान लाते हैं उनको गैब पर ईमान लाना कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या बताई गई है उनकी, दूसरी उनकी निशानी ये है कि वो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने से मुराद ये है कि जहाँ पर मुसलमान बसते हों,
जिस बस्ती में रहते हों, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, वहाँ पर मस्जिद हो, वहाँ पर मस्जिद के अंदर अजान होती हो, नमाज बा जमात होती हो, लोग नमाज पढ़ने वाले हों, और जो लोग नमाज ना पढ़ते हों वो दूसरे लोगों को नमाज के लिए आमादा करें। तो ये नमाज कर्म करना जो है ये अकामत सलात है, नमाज का पूरा एक सिस्टम है। और फिर जो अगली उनकी निशानी बताई गई मुत्तकीन की, वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो उन्हें दिया है, जो कुछ उन्हें अता किया है, उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। कि अल्लाह ताला ने उनको मालो दौलत दिया है, उनको खाने पीने की अशिया दी हैं, और उनको बाकी जो रहन सहन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें अता की है, तो अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर खर्च करते हैं। यानी वो बेवाओं पर खर्च करते हैं, वो हकदार लोगों पर खर्च करते हैं, और वो लाचार लोगों पर, मरीजों पर खर्च करते हैं, कैदियों पर खर्च करते हैं, मुसाफिरों पर खर्च करते हैं। तो जब ये उस तरह खर्च करते हैं इन अफराद पर, तो ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करना हो गया। और फिर उनकी अगली निशानी ये बताई गई कि वो उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। वो चीज़ क्या है? वो कुरान पाक है। कुरान पाक पर ईमान लाते हैं, और कुरान पाक पर ईमान लाने के साथ साथ उन चीज़ों पर भी ईमान लाते हैं जो हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल की गई। जिस तरह पहले किताबों का जिक्र मिलता है कि उनमें तुरात, जबूर, इंजील हैं, कि उन किताबों के ऊपर भी वो ईमान लाने का कहा गया। कि मुत्तकीन जो है, जो परहेजगार लोग हैं, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जो तालीमात हैं, जो कुरान मजीद की सूरत में भी हैं और आपकी अहादीस की सूरत में भी हैं, तो वो कुरान पाक पर ईमान लाते हैं, और उसके साथ साथ वो उन आसमानी किताबों पर भी ईमान लाते हैं जिनका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी आया है कि वो तौरात है, जबूर है और इंजील है, उन पर ईमान लाते हैं। और फिर आगे ये फरमाया गया कि ये वो लोग हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे, ये वो लोग हैं कि जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। ये उनकी अलामतें, ये निशानियाँ कुरान पाक के आगाज के अंदर ही बता दी गई हैं कि इन निशानियों को और इन अलामतों को अपने अंदर पैदा कर लो, तो उसके नतीजा के अंदर क्या होगा कि तुम अपने रब की तरफ से हदायत पर होगे, और फिर कामयाबी भी तुम्हें ही मिलेगी। यही लोग फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। तो कामयाबी का मियार और तसव्वुर क्या है? कामयाबी का मियार और तसव्वुर ये है कि अल्लाह ताला के हुजूर कामयाब हुआ जाए। दुनिया की कामयाबियों को ना देखा जाए, दुनिया की ठाठ बाठ को और दुनिया के जौहर जलाल को ना देखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि अल्लाह ताला किस चीज़ से खुश होता है। अगर अल्लाह ताला ने मालो दौलत दिया है तो उसको इस तरीके से खर्च किया जाए जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो ज़्यादा मालो दौलत है अगर उसके मुताबिक खर्च किया जा रहा होगा, और उसके अंदर कोई दिखावा नहीं होगा, उसके अंदर कोई रियाकारी नहीं होगी, और उसके अंदर कोई फजूल खर्ची नहीं होगी, तो उसके नतीजा के अंदर अल्लाह ताला उसको कबूल भी फरमाएंगे और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक भी होगा। तो ये हैं वो चीज़ें जो इस सूरत के अंदर आगाज़ में बता दी गई हैं, और ये हमारे कोर्स का हिस्सा हैं। इसका तर्जमा इसको पूरी तरह देखें और ये देखें कि